हे नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है यतिन। उम्मीद अच्छे होंगे, घर पर रहेंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज अपन लोग बात करने वाले हैं महसाना रेलवे स्टेशन के बारे में। जानेंगे महसाना रेलवे स्टेशन की कुछ खासियत, जानेंगे महसाना रेलवे स्टेशन की सुख सुविधाओं के बारे में, जानेंगे आखिर कितने प्लेटफॉर्म में महसाना रेलवे स्टेशन पर, और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए हमारे साथ, चलिए बात करते हैं महसाना रेलवे स्टेशन के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं महसाना रेलवे स्टेशन से जुड़ी कुछ जानकारियों को। तो पहला टॉपिक, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अपन स्टेप बाय स्टेप लोकेशन, फिर आते हैं प्लेटफॉर्म, फिर आते हैं कि आखिर कितनी ट्रेनें ओरिजिनेट करती हैं, कितनी ट्रेनें टर्मिनेट करती हैं। तो उसी प्रकार आज भी स्टेप बाय स्टेप लोकेशन से स्टार्ट करते हैं। तो वो जानते हैं महसाना रेलवे स्टेशन की लोकेशन। तो दोस्तों, महसाना रेलवे स्टेशन महसाना डिस्ट्रिक्ट और गुजरात स्टेट के अंडर में आता है। जी हाँ दोस्तों, ये होगी लोकेशन की बात। अब बात करते हैं आखिर कितने प्लेटफॉर्म्स हैं महसाना रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों, महसाना रेलवे स्टेशन पर हाल ही में यानी कि आज के दौर में 6 प्लेटफॉर्म हैं और 8 ट्रैक्स हैं। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि महसाना रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड। जी हाँ दोस्तों, स्टेशन कोड महसाना रेलवे स्टेशन का है MSH। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर महसाना रेलवे स्टेशन को जंक्शन क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि महसाना रेलवे स्टेशन से 4 लाइनें निकलती हैं, जिसमें सबसे मेजर लाइन है जयपुर अहमदाबाद लाइन। जी हाँ दोस्तों, सबसे मेजर लाइन इसीलिए है क्योंकि राजस्थान की कनेक्टिविटी सीधी गुजरात से कराने वाली एकमात्र यही लाइन है महसाना रेलवे स्टेशन से जो गुजर कर जाती है। जो दूसरी लाइन है वो है महसाना वीरामगाम सेक्शन। जो तीसरी लाइन है वो है महसाना तरंगा हील लाइन। और जो दोस्तों चौथी लाइन है वो है महसाना पतन भील लाइन। जी हाँ दोस्तों, ये हो गई 4 लाइनें जिस प्रकार से महसाना रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर महसाना रेलवे स्टेशन आम जनता के लिए कब चालू किया गया था। तो दोस्तों, महसाना रेलवे स्टेशन सन 1981 यानी कि 1981 में आम जनता के लिए चालू कर दिया गया था। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि महसाना रेलवे स्टेशन को मेजर रेलवे स्टेशन क्यों कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो में बताया कि महसाना रेलवे स्टेशन गुजरात को राजस्थान से सीधी कनेक्टिविटी देता है, इसी रीजन से महसाना रेलवे स्टेशन को इस सेक्शन का एक मेजर रेलवे स्टेशन माना जाता है, जिस प्रकार फालना और पालनपुर रेलवे स्टेशन थे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एक सुख सुविधाओं की कि आखिर रेलवे में सफर कर रहे यात्री को किस टाइप की सुख सुविधाएं चाहिए। तो दोस्तों, महसाना रेलवे स्टेशन पर खाने पीने से संबंधित सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति को अगर खाने से संबंधित या फिर पीने से संबंधित किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ती है तो वह ट्रेन से उतरकर महसाना रेलवे स्टेशन से वह चीज़ प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, ये हो गई सुख सुविधाओं से रिलेटेड बात। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर महसाना रेलवे स्टेशन का इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट। तो दोस्तों, अगर इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड बात करें कि आखिर महसाना रेलवे स्टेशन अभी इलेक्ट्रिफाइड है या नहीं, तो मैं बताना चाहूँगा कि महसाना रेलवे स्टेशन फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड रेलवे स्टेशन है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली अहमदाबाद सेक्शन में दिल्ली अजमेर सेक्शन तो पूरा इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है, बाकी का अजमेर से अहमदाबाद के बीच का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रिफाइड होना बाकी है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर कितनी ट्रेनें महसाना रेलवे स्टेशन से ओरिजिनेट होती हैं और कितनी ट्रेनें महसाना रेलवे स्टेशन से टर्मिनेट होती हैं। तो दोस्तों, 10 ट्रेनें महसाना रेलवे स्टेशन से ओरिजिनेट होती हैं और 10 ही ट्रेनें महसाना रेलवे स्टेशन से टर्मिनेट होती हैं। तो दोस्तों, ये थी वीडियो आज की महसाना रेलवे स्टेशन के ऊपर। उम्मीद है आप सभी को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप में से कई लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं या फिर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करना ना भूलें। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन पर आंसर देने की। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।